हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। विद्यालय परिसर में खेल दिवस ध्यानचंद जी की जयंती पर विभिन्न प्रकार के खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। कस्बे के आदर्श राउमा विद्यालय में मेजर ध्यानचंद जी की जयंती के अवसर पर राजकीय खेल दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। विद्यालय प्रार्थना सभा में आयोजित कार्यक्रम में वरिष्ठ शिक्षक कालूराम विश्नोई ने खेल दिवस की महत्वता के बारे में विद्यार्थियों को उद्बोधन किया। विश्नोई ने अपने उद्बोधन में मेजर ध्यानचंद का भारतीय खिलाड़ी में हॉकी में योगदान दिया और वर्तमान एशियन गेम्स जकार्ता में भारतीय खिलाड़ियों द्वारा किए गए प्रदर्शन में विस्तृत संबोधन दिया। इसी कड़ी में स्थानीय विद्यालय के व्याख्याता निर्मल दिवासी ने खेल के दैनिक जीवन में महत्व और विद्यार्थियों को अधिक से अधिक खेलों में हिस्सा लेने हेतु प्रेरित किया। देवासी ने अपने उद्बोधन में विद्यार्थियों को प्रलय क्षेत्र में चाहे वो पढ़ाई हो या खेल हो आदि में पूर्ण रुचि पूर्वक कार्य करने हेतु प्रेरित किया। प्रधानाचार्य चंद्रप्रकाश साहू ने खेल दिवस के रूप में पौधे लगाने की बात कही और विद्यालय परिसर को हरा भरा रखने को लेकर विद्यार्थियों को रुचि रखने की बात कही। खेल दिवस के उपलक्ष्य में स्थानीय विद्यालय में विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया। इस मौके पर विभिन्न टीमों का गठन किया जिसमें प्रभारी निर्मल देवासी, कुश्ती प्रभारी कालूराम विश्नोई, वॉलीबॉल के प्रभारी नैनाराम चौधरी, बैडमिंटन के प्रभारी अशोक चौधरी नियुक्त किए गए थे। बढ़िया तैयारी कर रही है, बैडमिंटन की भी कर रही है और बड़गांव में हमारे जो बाहर के लोग हैं वो भी हमें अच्छा सहयोग दे रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। क्या फुटबॉल वॉलीबॉल में भी तैयारी चल रही है, कबड्डी भी तैयारी चल रही है लड़कियों की और सिंधरी बेटा है और राजी का वास है। बड़गांव से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।